जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष के निवास पर हुई। इसी के साथ अप्रैल महीने में उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल के तौर पर बीजेपी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर दोनों दलों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया था। बीते 3 महीने में बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की ये दूसरी बड़ी मुलाकात रही है, पहले अमित शाह और फिर जेपी नड्डा। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है। हाल के दिनों में कुशवाहा नीतीश सरकार पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ वो जेडीयू को डूबती नाव बताते हैं, तो वहीं राजद पर भी हमला बोलने से नहीं कतराते हैं। इसी के साथ जानकारों के मुताबिक लवकुश वोट बैंक पर उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोई गलती नहीं करना चाहती है, भले ही उपेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात को पार्टी शिष्टाचार भेंट बता रही हो, लेकिन सियासत में मुलाकात के कई नए मायने होते हैं जो वक्त आने पर नजर आते हैं।